हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पप्पू सरकार। वेलकम टू योर चैनल फिजीजी इट्स योर फैमिली। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अभी आप लोग को पता चल गया दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीजी का मेरिट लिस्ट पब्लिश हो गया, फर्स्ट मेरिट लिस्ट पब्लिश हो गया। सो जितना भी स्टूडेंट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया, उस सब स्टूडेंट का कैसे एडमिशन मिलेगा, प्रोसेस क्या होगा, कौन सा डेट के अंदर क्या क्या करना पड़ेगा, सब कुछ इधर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अभी देख सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैसे रिजल्ट चेक करना पड़ेगा वो पहले देखता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन पोर्टल है ना, 2023-24 का एडमिशन पोर्टल, इधर आने से क्या होगा, इस चीज़ को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑफिशियल साइट आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियल साइट में दिल्ली यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट का पोर्टल है। पोस्ट ग्रेजुएट पोर्टल को ऑन करने से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। लॉगिन करने के लिए क्या देना पड़ेगा, आप लोगों का CUT एप्लीकेशन नंबर देना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा, कैप्चा फिलअप करके लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद तुम्हारा एक डैशबोर्ड ओपन होगा, उस डैशबोर्ड में रहेगा, तुमको सीट मिलेगा तो दिखाएगा कौन सा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कौन सा कॉलेज के अंदर और कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर आपको मिला सीट, उस चीज को देखा देगा, शो कर देगा, ठीक है, शो कर देगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को कुछ चीज को फॉलो करना पड़ेगा। और जिसको नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, उसको वहां पे देखेगा नो सीट एलोकेशन, ठीक है। और जिसको सीट मिल जाएगा उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे भी हो सकते हैं कोई भी स्टूडेंट को दो दो सीट मिल सकते हैं। सपोज दोनों में अप्लाई किया था तो दो सीट मिल सकते हैं ना, तो वो दो सीट मिलने से तुमको कोई भी एक चीज को क्या करना पड़ेगा, कॉन्फर्म करना पड़ेगा, ठीक है, एक चीज को कॉन्फर्म करना पड़ेगा। इसके बाद क्या क्या करना पड़ेगा अभी देख सकते हो, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन पोर्टल, यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया था। चैप्टर नंबर 6 में सीट एलोकेशन एंड एडमिशन, कैसे कैसे सीट एलोकेशन करना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा, इसको प्रोसीड्यूर देखता हूँ। पहले तो जिसको सीट मिलेगा वहाँ पे तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बोल दिया मस्ट एक्सेप्ट एन एलोकेटेड सीट, एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट। सो जिस सीट को मिलेगा आपको एडमिशन लेने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम था, एडमिशन तो मेरा तो सीट एलोकेशन हो गया लेकिन फीस पेमेंट का अपडेट नहीं आ रहा है, लिंक नहीं आ रहा है, क्यों? सो पहले बोल देता हूँ, पहले एडमिशन का लिंक नहीं, मतलब एडमिशन फीस पेमेंट करने का लिंक नहीं आएगा। पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने का टाइम कितना का, यहाँ पे देख सकते हो डेट कितना था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट पीजी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट पब्लिश हो गया कितना डेट को, 17 अगस्त को पब्लिश हो गया था, ठीक है। अभी आप लोगों को जितना सारे स्टूडेंट को मिल गया दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट मेरिट लिस्ट को, एक्सेप्ट करने का डेट कितना तारीख को है, एक्सेप्ट करने का डेट 17 अगस्त से 20 अगस्त तक, ठीक है। तो एक्सेप्ट करने का लास्ट डेट आप लोगों का 5 PM ओके अप टू 4:59 PM 20 अगस्त को मिलेगा। सो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 20 अगस्त को पहले ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिसने भी पहले एक्सेप्ट कर दिया, सपोज आज कितना तारीख, आज 18 अगस्त, 18 अगस्त के जितना स्टूडेंट कर सकते हो एक्सेप्ट कर देना। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, एक्सेप्ट करने के बाद तुमको जिस कॉलेज में और जिस डिपार्टमेंट पे और जिस यूनिवर्सिटी का जिस कैंपस में मिला, उस कैंपस से, उस कॉलेज से क्या होगा, तुम्हारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन। तुम लोग क्या कर दिया, पहले सब कुछ क्या दे दिया, यूनिवर्सिटी पोर्टल में डाटा दे दिया था ना, ऑनलाइन जॉब रजिस्ट्रेशन किया था, उस सबको आप क्या करेगा, कॉलेज वेरीफाई करेगा। कॉलेज कैसे वेरीफाई करेगा, वो कॉलेज करेगा, ठीक है, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने का लास्ट डेट कितना है, कॉलेज का लास्ट डेट, ठीक है। कॉलेज वेरीफाई करके बोल देगा तुमको कितना तारीख को, आज 17 अगस्त से 21 अगस्त के अंदर बोल देगा तो तुमको वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया। जिसको वेरीफाई हो जाएगा उसको क्या करना पड़ेगा, देख सकते हो, जिसको वेरीफाई हो जाएगा ऑनलाइन सीट एलोकेशन वेरीफाई हो जाएगा एक्सेप्ट करने के बाद, जिसको वेरीफाई हो जाएगा उसको क्या आ जाएगा, एडमिशन फीस पेमेंट का लिंक आ जाएगा, ठीक है। सो तुम लोग जितना भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हो अभी क्या कर दो, एक्सेप्ट कर दो। एक्सेप्ट करने के बाद देख लेना कब तुम लोगों का क्या होगा, एक्सेप्ट आएगा। एक्सेप्ट वहाँ पे शो करेगा तुम्हारा स्टेटस में, जो एप्लीकेशन डैशबोर्ड है ना, यहाँ पे शो कर जाएगा तुम्हारा डैशबोर्ड में क्या है, तुम्हारा एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होने के बाद
इधर ही क्या है पेमेंट लिंक आ जाएगा, ठीक है, इस डैशबोर्ड में ही पेमेंट लिंक आ जाएगा, वहां से क्या कर देना पेमेंट कर देना। और किसी के ऐसा भी हो सकता है कुछ वेरीफाई का प्रॉब्लम हो गया, कुछ डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम हो गया, तो क्या करेगा, कुछ डॉक्यूमेंट का क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं यहाँ पे देख सकते हो, इतने सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं इन केस ऑफ रिजेक्शन। कौन सा कॉस्ट के लिए आप लोगों का रिजेक्शन हो सकता है, यहाँ पे बोल दिया नो फुलफिलमेंट ऑफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, नो फुलफिलमेंट ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स, ओके, ये सब कॉस्ट के लिए आप लोगों के क्या कर सकते हैं, रिजेक्शन हो सकते हैं। सो रिजेक्शन होगा तो आप लोगों का फोन में और तुम्हारा ईमेल में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में क्या आ जाएगा, कॉस्ट देखे तुम्हारा मेल आ जाएगा, इस चीज के लिए आपका रिजेक्शन हो गया। तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज को फिर से देना पड़ेगा, उसके बाद हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना, एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ ठीक ठीक रहेगा तो आप लोगों का मिल जाएगा एडमिशन फीस पेमेंट का ऑप्शन। एडमिशन फीस पेमेंट का ऑप्शन मिलने के बाद क्या करना, एडमिशन फीस पेमेंट कर देना। फीस पेमेंट का लास्ट डेट कितना का है, फीस पेमेंट का लास्ट डेट 22 अगस्त को अप टू 4:59 PM यहाँ पे देख लेना, ठीक है। सो अभी क्या कर सकते हो, अभी जितना भी स्टूडेंट का पहले तो कर लेना विश्व सॉरी दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉग इन पोर्टल में जाके वहाँ पे रजिस्टर कर लेना, मतलब लॉग इन करना, लॉग इन करने के बाद चेक कर लेना आपको सीट एलोकेशन हुआ कि नहीं हुआ, जिसको हो गया उसको क्या करना पड़ेगा अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जिसको नहीं हुआ उसको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, सेकेंड लिस्ट के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। सो जिसको मिल गया उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करने के बाद क्या करना, वेरीफाई होगा डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा कॉलेज से, ऑनलाइन वेरिफिकेशन का डेट दे दिया अप टू 21 अगस्त को, और एक्सेप्ट करने का लास्ट डेट 20 अगस्त को, उसके बाद ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, एडमिशन फीस पेमेंट का लिंक आ जाएगा, वहाँ से एडमिशन फीस पेमेंट कर देना, आप लोगों का एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कब नोटिस आएगा यूनिवर्सिटी में जाके बाद में क्या फिजिकल वेरिफिकेशन होगा वो अलग से। और जिसको एडमिशन अभी सेकेंड फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम एलोकेशन सीट एलोकेशन नहीं हुआ, नाम नहीं आया, उसको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड लिस्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। सेकेंड लिस्ट कितना तारीख को पब्लिश हो जाएगा, हो जाएगा सेकेंड लिस्ट 25 अगस्त को क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। और कट ऑफ कितना जाएगा ये तो अभी तक ऐसा कोई भी पीडीएफ नहीं भेजा, कोई भी नोटिस नहीं दिया कितना कट ऑफ जाएगा, लेकिन बाद में पीडीएफ आ जाएगा और नोटिस आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा कितना तक दिया। सो सेकेंड मेरिट लिस्ट कितना तारीख को आएगा, 25 अगस्त को आ जाएगा, ठीक है। सो अभी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। और एक बोल देता हूँ, आज शाम को जेएनयू यूनिवर्सिटी का भी क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा पीजी के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो, तो जीत कोई भी स्टूडेंट अभी मिल गया लेकिन क्या आप वो नहीं करेगा, मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसका एडमिशन नहीं मिलेगा। एडमिशन ले लेकिन ये सबका एक्सेप्ट करना जरूरी है, नेसेसरी है, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। और जिसको दोनों सीट के लिए और दोनों प्रोग्राम के लिए मिला उसको एक्सिस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और एक्सिस को क्या कर सकते हैं बाद में क्या अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और अपग्रेड करने के लिए क्या मिलेगा, सपोज इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट से एक कोर्स के लिए नाम आया, उसको बाद में तुमको दूसरा चीज के लिए जाने का मन है, तो कब करना, सब अपग्रेड कर देना। अपग्रेड करने से सेकेंड मिल सकते हैं, लेकिन एक बार सेकेंड वाला मिल जाएगा तो पहले वाला में मत आ सकते हो, ठीक है, नहीं आ सकते हो। सो सोच समझ के अपग्रेड कर देना, ठीक है। अभी सबको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट नहीं करने से किसी का एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर। ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।